नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे घुटनों की सूजन के विषय में बात करूंगी। तो जो लोग घुटने की सूजन से परेशान है या घुटनों में और तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत विस्तार से जानकारी दी है और घुटनों के लिए मैंने बिना दवाइयों के इलाज बताया है। आपको एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा और आपका घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले अक्सर घुटनों की समस्या 50 साल की उम्र के आसपास आती थी, लेकिन आजकल तो 30 साल की उम्र को भी पार करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे मैं देखती हूँ कि 18 से 20 साल के बच्चे घुटनों की दर्द की शिकायत करते हैं, साइटिका पेन की शिकायत करते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ जिनसे वो परेशान होने लगे हैं इस छोटी सी उम्र में। तो आज का ये जो माहौल है, आज का जो खान पान है, यही सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे अभी से परेशान हैं, बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो आजकल जैसे बच्चे 30 साल की उम्र में ही घुटनों के दर्द से परेशान हैं और 40 साल की उम्र तक तो आते आते उनके घुटनों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि जो चाल है उसमें भी बदलाव आ जाता है। घुटने काफ़ी सूजे हुए रहने लगते हैं, ग्रीस कम हो जाता है, घुटनों में कटकट की आवाज़ आने लगती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो चढ़ने में दर्द होता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं घुटनों से रिलेटेड, वो इस छोटी उम्र में ही आनी शुरू हो गई हैं। तो आज मैं आपको इसी का इलाज बताऊंगी और बहुत ही आसान इलाज है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं घुटनों में सूजन की। शुरू शुरू में तो जब व्यक्ति के घुटनों में सूजन आती है या दर्द रहता है या कटकट की आवाज़ आने लगती है, उस वक्त तो उनका ध्यान घुटनों की तरफ नहीं जाता। जब रूटीन के काम भी हर्ज होने लगते हैं, रूटीन में भी दिक्कत आने लगती है, चाल जब बिगड़ने लगती है, तब वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपके घुटनों में ग्रीस कम हो गई है, कार्टिलेज घिसने लगी है और घुटने में स्वेलिंग आ गई है, तो अब आपको इसकी दवाई खानी पड़ेगी। तो उस वक्त जब डॉक्टर दवाई देते हैं तो अक्सर पेन किलर दिया करते हैं, क्योंकि पेन किलर जैसे ही हम खाते हैं तो घुटनों में आराम मिलने लग जाता है। तो डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आप ये दवाई खाएं और आराम करें और घुटनों पे ज़्यादा जोर ना डालें। अब जब तक हम वो दवाई खाते हैं तब तक तो आराम रहता है, लेकिन जब दवाई छोड़ दी जाती है तो थोड़े दिनों बाद फिर से दिक्कत आने लगती है, क्योंकि दवाई खाने से उसकी जड़ नहीं गई, केवल उसके दर्द को दबा दिया गया था। अब जब हम दोबारा जाते हैं डॉक्टर के पास तो तब भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो पेन किलर देते हैं और डाइट के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस वो नहीं करवाते, बस सिर्फ ये कहते हैं कि थोड़ा आराम करें और बहुत ज़्यादा अपने घुटनों पर जोर मत डालें। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की बात करते हैं कि वज़न को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि घुटनों पर ज़्यादा वज़न का प्रेशर आता है। लेकिन दवाइयाँ खाने के कुछ समय बाद फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जब हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका कहना होता है कि दवाइयों से काफ़ी दिन हमने इसको क्योर कर लिया है, लेकिन अब चूंकि घुटने में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो हमारे हिसाब से आपको घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब घुटने का ऑपरेशन कराना आसान बात तो नहीं है, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है, हर व्यक्ति घुटने का ऑपरेशन करा भी नहीं सकता। अब मैं तो चूंकि नेचुरोपैथ हूँ तो मैं तो कभी आपको ये सलाह भी नहीं दूंगी कि कुदरत ने जो चीज़ आपको बख्शी है और आप उसको निकलवा दें, उसकी जगह ऑपरेशन करके कुछ नकली घुटना लगवा लें, तो घुटने बदलवाने ना पड़े, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी। इससे पहले हम ये जान लें कि घुटनों के लिए जो हम प्राकृतिक चिकित्सा करेंगे वो घुटने की कौन कौन सी समस्याओं को ख़त्म करेगी। तो घुटनों में किसी भी तरह की दिक्कत हो, चाहे घुटनों में सूजन हो, दर्द हो, जकड़न हो, घुटने की पीछे की नसें खींचती हों, कार्टिलेज घिस गई हो, सीढ़ी चढ़ने में दर्द होता हो या वैसे भी दर्द होता हो, किसी भी तरह की आपको घुटने में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 2 मिनट का ट्रीटमेंट आपके घुटने की सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। और घुटने के अलावा अगर आपके टांगों में दर्द हो, नीचे पंजों में दर्द हो, पिंडलियों में दर्द हो, तो ये ट्रीटमेंट, ये चिकित्सा उसको भी ठीक करती है। और उसके साथ साथ अगर आपको सर्दी, जुकाम, खांसी ये रहता हो तो उसको भी ये चिकित्सा
इसके साथ ही ठीक कर देती है। मतलब आपने ट्रीटमेंट करा घुटनों का और घुटनों के साथ साथ आपके टांगों के दर्द भी ख़त्म, पंजों की जकड़न भी ख़त्म और नसों के दर्द भी ख़त्म और साथ में सर्दी जुकाम खांसी अगर आपको परमानेंट रहता हो तो वो भी ख़त्म। तो ये 2 मिनट की चिकित्सा इतनी कामयाब चिकित्सा है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये चिकित्सा कैसे की जाती है। तो इस चिकित्सा में हमें घुटनों के ऊपर 2 मिनट के लिए फ्रेश वाटर डालना है। सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, हमें अपने घुटनों के ऊपर फ्रेश वाटर ही यूज़ करना है। और अगर आपके पास फ्रेश वाटर नहीं है तो आप बाल्टी में घड़े जैसे टेम्परेचर का पानी रख सकते हैं और उस पानी से भी घुटनों के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये केवल 2 मिनट की चिकित्सा है, तो जो नल में फ्रेश पानी आता है, जो बोरिंग वाला पानी आता है, उतनी ही ठंडक हमें इस चिकित्सा को करने के लिए चाहिए। और अगर आपके घर में बोरिंग वाला पानी नहीं है तो बाल्टी में भी पानी लेकर के इस चिकित्सा को किया जा सकता है। तो मैं ये दोनों ही तरीके आपको बताऊंगी। तो पहले मैं दिखाती हूँ कि नल से इस चिकित्सा को कैसे करते हैं। तो एक पटरी लेंगे और पटरी को नल के नीचे सेट कर लेंगे और पानी को खोल देंगे, और जिससे घुटनों के ऊपर 1 मिनट तक हम लगातार पानी डालेंगे। और ये पानी ज़्यादा ऊंचाई से नहीं डालना चाहिए ताकि आपको इसकी चोट पहुँचे। जब इसका 1 मिनट पूरा हो जाए तो दूसरा घुटना पटरी के ऊपर करेंगे, और जब इसको करते हुए भी 1 मिनट पूरा हो जाए तो नल बंद कर दें और अपने कपड़ों को पहनकर तेज़ रफ्तार से पार्क में टहलने के लिए चले जाएंगे। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमें हमारी टांगों में घुटनों में ठंडक आ गई है वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो बाल्टी में पानी लेंगे और पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा होना चाहिए जैसे घड़े का ठंडा पानी होता है। इसके लिए फ्रिज की बॉटल से ठंडा पानी इसमें मिक्स कर लेंगे और घड़े जैसा टेम्परेचर बना लेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों पर 2 मिनट तक लगातार हम पानी को डालते रहेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करें और पार्क में टहलने के लिए चले जाएं। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमें हमारी टांगों में घुटनों में ठंडक आ गई है वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। जो व्यक्ति बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, चल नहीं सकते, उनको ठंडे पानी में तौलिया भिगो के घुटने से लेकर पैर के पंजों तक 1-1 मिनट तक दोनों पैरों पर ठंडे तौलिए से पोंछ दें और फिर कंबल उड़ा करके लेटा दें। जब तक स्वाभाविक गर्मी वापस ना आए तब तक कंबल ओढ़कर लेटे रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 मिनट घुटनों पर पानी डालने से घुटनों की सूजन कैसे ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी अंग में जहाँ दर्द हो, सूजन हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ वो तभी आती है जब वहाँ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो जब हम ठंडा पानी डालते हैं, चाहे वो घुटना हो या कोई और भी अंग हो, तो जब हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं तो वहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो वहाँ जो ब्लड होता है वो अंदर की छोटी कैपिलरीज में चला जाता है और वहाँ धीरे धीरे फिर एक नया ब्लड आ जाता है, जिससे वहाँ जो टॉक्सिन थे, जो टॉक्सिक मैटर था, वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ देता है। और इस तरह से ये पैथी काम करती है। चूँकि हमारे घुटनों में सूजन है तो हमें अपनी सूजन को हटाना है, तो वहाँ ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है। तो जब हमें ब्लड के फ्लो को बढ़ाना है तो ठंडे पानी से जब हम या ताजे पानी से जब हम घुटनों के ऊपर डालते हैं या ताजे पानी से सिकाई करते हैं तो वहाँ सूजन बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। और जिस दिन आप अपने घुटने पर पहले दिन पानी का प्रयोग करेंगे, पहले ही दिन आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आराम लगने लगेगा, कुछ ना कुछ आराम आपको ज़रूर लगेगा। जब आप 10-15 दिन तक रोज़ाना घुटनों के ऊपर ये प्राकृतिक इलाज करेंगे तो घुटने से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी और आपको घुटना बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप अपने भोजन से मैदा, चीनी, चिकनाई, डेयरी प्रोडक्ट, नॉन वेज, सिगरेट, शराब
इन सब से दूर रहते हैं, इनसे दूरी बना लेते हैं, और इसकी जगह अगर आप सादे भोजन पर ध्यान दें, सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, इस तरह के भोजन पर ध्यान देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी समाप्त होने लगेगी। और घुटने के अलावा और भी किसी तरह की अगर आपको दिक्कत है तो वो भी ठीक होने लगेगी, क्योंकि जो डाइट है वो एक औषधि का काम करती है। तो जब आप डाइट में चेंज कर लेंगे तो घुटनों के साथ साथ और बीमारियां भी ठीक होने लगेंगी। अब आज जो मैंने आपको इलाज बताया है, ये है ना बिल्कुल फ्री का इलाज। मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि मैं जो आपको इलाज बताऊंगी उसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 2 मिनट का ट्रीटमेंट है और 2 मिनट के बाद आप 20-25 मिनट टहल कराएंगे और आपका ट्रीटमेंट पूरा। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।